सेंटर में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के जमाने की है, जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कुछ पोर्ट्रे करना चाहते, कुछ इंटेंशनल है? तो उस तरह के जो रूमर्स या जो बातें आएंगी, तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप? और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले 2 महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले। अगर इस तरह से मुझे लगता है, या 5 स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर। अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है। तो जहाँ तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, अब जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है या उड़ता पंजाब हाल ही में। सिंस यू स्पोक अबाउट ब्लैक फ्राइडे, आई वॉज द सेंसर चीफ हु पास्ड इट विदाउट एनी कट्स, बिकॉज अनुराग कश्यप हैड कम टू मी एंड आई सेड दिस फिल्म शुड बी पास्ड एंड दिस इज ऑफिशियली आई एम अनाउंसिंग इट। आई वॉज द वन पर्सनली हु सॉ द फिल्म एंड आई सेड अनुराग कश्यप, यू कैन आस्क हिम दैट दिस इज द फिल्म शुड बी पास्ड विदाउट एनी कट्स। सो देर आर, एंड ऑल्सो आई थिंक पीपल डोंट पुट मनी, भरत भाई ने बहुत फिल्में बनाई हैं, दे डोंट लुक एट इट फ्रॉम अ पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दे गो बाय द स्टोरी एंड देन ऑथेंटिकली इफ इट वर्क्स। आई थिंक इन सिनेमा हॉल, इफ आई मे अलाउ, इन सिनेमा हॉल नोबडी गोज एज टू वॉच ए फिल्म एज ए लेफ्ट विंगर और ए राइट विंगर और दिस रिलीजन दैट रिलीजन, दे गो टू द ऑडियंस एंड इफ इट इमोशनली कनेक्ट्स विद यू द फिल्म, देन वॉट एवर इट इज It works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute to various reasons. And also, freedom of expression, do na isko yaar. Koi bhi film banane ka.